एथेंस और रियो पैरा ओलंपिक खेलों में देश के लिए दो गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो में अगले महीने हो रहे पैरा ओलंपिक के लिए मंगलवार को क्वालिफाई कर लिया। झाझड़िया ने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने ही रिकॉर्ड 63.97 मीटर को तोड़कर 65.71 मीटर भाला फेंकते हुए ओलंपिक कोटा हासिल किया। इस प्रदर्शन के बाद झाझड़िया ने कहा कि वे बहुत खुश हैं तथा इससे उनका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। उनकी कोशिश है कि इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिला पाएं। देवेंद्र ने बताया कि 2 साल से कोविड से संघर्ष सबकी तरह उनके लिए भी एक चुनौती था। इसके बीच ट्रेनिंग भी एक चैलेंज रहा, यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें एक कमरे में ट्रेनिंग करनी पड़ी। जब ट्रायल में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और मैंने सुना कि 65.71, बहुत खुशी उस टाइम, उस खुशी का मैं बता भी नहीं सकता। अभी बहुत से मेरे फ्रेंड्स से उनका फ़ोन आ रहा है कि आपकी थरों के टाइम में आवाज़ बहुत निकल रही थी, आप 40 के न होकर के ऐसे लग रहे थे 20 साल के थे आप उस थरों में। तो मैं कहना चाहूँगा, आपको जब कोई भी कंपटीशन लड़ते हैं हम लोग, तो हम बहुत ही जोश में लड़ते हैं कंपटीशन, क्योंकि हमारा पावर का गेम होता है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक व पैरा ओलंपिक के लिए जा रही टीम के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस बार भारत की टीम पहले से ज्यादा मेडल जीत कर लौटेगी। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो टीम जा रही है, मैं टीम के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि भारत इस प्रतियोगिता में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा, ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक्स हो। अब की बार हम पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कई खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग 1 चल रही है, किसी की 2 चल रही है, किसी की 4 चल रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हर घर में अपने बच्चों को, विशेष तौर पे मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को वो गेम दिखाएं, ओलंपिक कैसे होता है, क्योंकि उससे एक स्पोर्ट्स की कल्चर डेवलप होगी। जब स्पोर्ट्स की कल्चर डेवलप होगी, तभी हम इंडिया में और ज्यादा मेडल जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच आज जो प्रदर्शन किया है, उससे बहुत खुश हूँ। 40 साल की उम्र में विश्व रिकॉर्ड करना खुद मेरे लिए भी बहुत खुशी का विषय है। इस प्रदर्शन में निस्संदेह मेरे कोच सुनील तंवर और फिटनेस ट्रेनर लक्ष्य बत्रा का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार, खासकर मेरी माँ का बड़ा योगदान है। इस खुशी के अवसर पर अपने पिता को याद करता हूँ, जिन्हें मुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया और खेलने का हौसला दिया। आज वे मेरे पास नहीं, लेकिन सोचता हूँ कि वे जहाँ भी हैं, देख रहे होंगे कि मैं तीसरे गोल्ड का उनका सपना पूरा करने जा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली में, उसमें हुई पैरालंपिक ट्रायल में जो भाला फेंक प्रतियोगिता है, मैंने 65.71 जो जोलिन लगाई, उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ और टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए योग्यता भी हासिल की। मुझे खुशी है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही, विशेष तौर पे टोक्यो से सिर्फ 2 महीने पहले इन गेमों से। इसके लिए मैंने गुजरात गांधीनगर में साई ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ट्रेनिंग की थी, और इसका मैं बहुत से लोगों का इसमें योगदान है। विशेष तौर पे मैं कहूँगा सुनील तंवर जो मेरे कोच हैं, लक्ष्य बत्रा जो मेरे फिटनेस ट्रेनर हैं, मेरे फिजियो और मेरे परिवार के लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे विशेष तौर पे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स से जोड़ा बचपन में। और जो टोक्यो पैरालंपिक होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसमें मैं एक बार पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस देश को गोल्ड मेडल दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको बता दें कि चूरू जिले के गांव झाझड़ियों की ढाणी में 1981 में जन्मे देवेंद्र झाझड़िया का हाथ 8 साल की उम्र में पेड़ पर चढ़ते समय बिजली का कट आने से हुए हादसे के कारण काटना पड़ा। इसके बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ और खेलों में उनकी जबरदस्त रुचि थी। उन्होंने खेलना शुरू किया और 2002 में कोरिया में हुए खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और
वहां भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल स्वर्ण पदक जीता अपितु 62.15 मीटर जेवलिन फेंक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। इस ओलंपिक सफलता पर उन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में मार्च 2012 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह पहले पैरा ओलंपियन हैं। इसके बाद उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद उन्हें सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न अवार्ड दिया गया। टोक्यो में अगले महीने हो रहे पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद देवेंद्र झाझड़िया के चाहने वालों ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि देवेंद्र झाझड़िया टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन करेंगे। देवेंद्र की सफलता के लिए उनके चाहने वालों ने शुभकामनाएं प्रेषित की है। साहित्य अकादमी से सम्मानित युवा साहित्यकार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत कुमार अजय ने कहा कि 40 साल की उम्र में विश्व रिकॉर्ड तोड़ना इस बात का सबूत है कि देवेंद्र झाझड़िया ने लगातार मेहनत की है और निरंतर सुधार किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि झाझड़िया टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफल होंगे। देवेंद्र झाझड़िया ने हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। 2004 में उन्होंने पहली बार जो है एथेंस में गोल्ड मेडल जीता देश के लिए। 2016 में उसके लंबे अंतराल के बाद जो है उनका इवेंट हुआ। 2016 में उन्होंने दोबारा जो है देश के लिए ओलंपिक जीता और आज उन्होंने क्वालिफाई किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल की उम्र में उन्होंने जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और क्वालिफाई किया है। हम निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित है इस उपलब्धि से और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। 30 अगस्त को उनका इवेंट है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो है देश के लिए तीसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर हम सबको गौरवान्वित करेंगे। एथलीट हरफूल सिंह ने देवेंद्र को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि पूर्व के दो पैरा ओलंपिक की तरह ही टोक्यो से भी देवेंद्र झाझड़िया गोल्ड मेडल लाए गए। हमें बड़ी खुशी है, श्री देवेंद्र जी झाझड़िया ने आज ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। हमें अपने कलीग से बहुत बड़ी उम्मीद है, उन्होंने दो मेडल पहले जीत रखे हैं 2004 में और 2016 ओलंपिक में। हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी वो अपना पदक लेके आएंगे और देश का नाम रोशन करके आएंगे। स्पोर्ट्स कोच ईश्वर सिंह लांबा ने भी इस उपलब्धि के लिए देवेंद्र को बधाई प्रेषित की है। देवेंद्र झाझड़िया को ओलंपिक क्वालिफाई के लिए बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक और स्वर्ण पदक लेके आएंगे। इंटरनेशनल एथलीट सोनू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि देवेंद्र झाझड़िया टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। श्री देवेंद्र जी झाझड़िया को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं कि वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और हम आशा करते हैं कि वो रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल देके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। पंजाब की एथलीट जसलीन कौर ने देवेंद्र झाझड़िया को बधाई देते हुए कहा कि हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। देवेंद्र झाझड़िया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने टोक्यो क्वालिफाई किया। आपको देख के हमें मतलब अच्छी प्रेरित होना चाहिए कि हमें भी ओलंपिक क्वालिफाई करना है आने वाले टाइम में 2024 के लिए। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे क्वालिफाई करने के लिए। आप अच्छा करें हमारे इंडिया के लिए, आप अच्छा मेडल लेके आए, हमारे आपके लिए यही दुआ है। बीरबल नोखवाल ने कहा कि दो बार पहले भी देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले देवेंद्र इस बार भी गोल्ड मेडल के साथ ही लौटे गए। देवेंद्र जी झाझड़िया हैं, वो भारत के लिए दो बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले चुके हैं। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 के अंदर भी वो तीसरा गोल्ड मेडल भारत की झोली में डालेंगे। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बात है कि भारत के लिए दो गोल्ड मेडल लेने वाले देवेंद्र जी, हम उम्मीद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो 2021 में ज़रूर ही भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। हम ईश्वर से पुरजोर प्रार्थना करेंगे और ये भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज रखें ताकि हमारे देश के लिए वो गौरवपूर्ण ये क्षण हासिल कर सकें। वासुदेव सिहाग ने देवेंद्र झाझड़िया को युवाओं का आदर्श बताते हुए कहा कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार फिर गोल्ड मेडल भारत के नाम होगा। देवेंद्र जी झाझड़िया हैं जिनको हम सब युवा लोग जानते हैं, उनकी प्रेरणा से हम चलते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पैरा ओलंपिक में अपना स्थान बनाया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई उनको।